ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बड़े अभियानों को लॉन्च कर रहे हैं, इस दौरान वे संबोधन दे रहे हैं। कि स्वच्छता और सुख का कितना गहरा संबंध होता है, इसलिए जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और प्रगति के लिए पर्यटन की संभावनाओं को निखारना शुरू किया तो सबसे बड़ा फोकस स्वच्छता और इस प्रयास में सभी को जोड़ने पर किया गया। निर्मल गुजरात अभियान जब जन आंदोलन बना तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। इससे गुजरात को नई पहचान तो मिली ही, राज्य में पर्यटन भी बढ़ा। भाई और बहनों, जन आंदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का आधार है। पहले शहरों में कचरा सड़कों पर होता था, गलियों में होता था, लेकिन अब घरों से न केवल वेस्ट कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है बल्कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी जोर है। बहुत से घरों में अब हम देखते हैं कि लोग गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन रख रहे हैं। घर ही नहीं, घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती है तो लोग स्वच्छता ऐप से उसे रिपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों को जागरूक भी करते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हो जाता हूं कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते हैं बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए, दादाजी नाना जी दादी जी को बताते हैं ये मत करो। शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोई वेस्ट से वेल्थ बना रहा है तो कोई जागरूकता बढ़ाने में जुटा है। लोगों में भी अब एक स्पर्धा है कि स्वच्छ भारत रैंकिंग में उनका शहर आगे आना चाहिए, और अगर पीछे रह जाता है तो गांव में भी दबाव खड़ा होता है, भाई क्या हुआ, वो शहर आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए, हमारी क्या कमी है। मीडिया के लोग भी उस शहर की चर्चा करते हैं, देखिए वो तो आगे बढ़ गया तुम रह गए, तो एक दबाव पैदा हुआ है। अब ये माहौल बन रहा है कि उनका शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे रहे, उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो। जो साथी इंदौर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे वो मेरी बात से और भी ज्यादा सहमत होंगे। आज हर कोई जानता है कि इंदौर यानी स्वच्छता में टॉपर शहर। ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। अब ऐसी ही उपलब्धि से हमें देश के हर शहर को जोड़ना। मैं देश की हर राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, शहरों के मेयर से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता के इस महाअभियान में एक बार फिर से जुट जाएं। कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें यह याद रखना है कि स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर किसी का,
हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता ये जीवन शैली है, स्वच्छता ये जीवन मंत्र है। और जैसे सुबह उठते ही दांतों को साफ करने की आदत होती है ना, वैसे ही साफ सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। और मैं ये डिब्बों में सफाई, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सफाई, ये कोई मुश्किल नहीं था। कुछ प्रयास सरकार ने किया, कुछ सहयोग लोगों ने किया और अब रेलवे की तस्वीर ही बदल गई है। साथियों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग को शहरी गरीबों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए हमारी सरकार रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रही है। अगर 2014 के पहले के 2014 के पहले के 7 सालों की बात करें, 7 वर्षों की बात करें, तो शहरी विकास मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट ही आवंटित किया गया था, 7 साल में 1.25 लाख, जबकि हमारी सरकार के 7 वर्षों में शहरी विकास मंत्रालय के लिए करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। ये इन्वेस्टमेंट शहरों की सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट से शहरी गरीबों के लिए घर, नए मेट्रो रूट और स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। हम भारतवासी अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत की स्पीड और स्केल दोनों ही ये भरोसा और बढ़ाती है। आज भारत हर दिन करीब 1 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था, तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 20 से 70 तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें इसे 100% तक, 100% तक लेकर जाना ही जाना है। नहीं होगा, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन के जरिए होगा। इसके लिए देश ने हर शहर में 100% वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ साथ इससे जुड़ी आधुनिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इन आधुनिक फैसिलिटीज में कूड़े कचरे को छांटा जाएगा, रिसाइकिल हो पाने वाली चीजों को प्रोसेस किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में बने कूड़े के पहाड़ों को प्रोसेस करके पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। और हरदीप जी, जब मैं कूड़े के बड़े बड़े ढेर साफ करने की बात कर रहा हूं, तो यहां दिल्ली में भी ऐसा ही एक पहाड़ बरसों से डेरा डाले हुए है, ये पहाड़ भी हटने का इंतजार कर रहा है। साथियों, आजकल जो दुनिया में
ग्रीन जॉब की संभावनाओं की चर्चा हो रही है। भारत में शुरू हो रहा है ये अभियान अनेकों ग्रीन जॉब भी बनाएगा। देश में शहरों के विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। अभी अगस्त के महीने में ही देश ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। ये नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ के अभियान को, सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूती देती है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। इसका सिद्धांत है रीयूज, रीसाइकल और रिकवरी। सरकार ने सड़कों के निर्माण में भी वेस्ट के उपयोग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। जो सरकारी इमारतें बन रही हैं, सरकारी आवास योजनाओं के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं, उनमें भी रीसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, स्वच्छ भारत और संतुलित शहरीकरण को एक नई दिशा देने में राज्यों की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। अभी हमने कई साथी मुख्यमंत्रियों का संदेश भी सुना है। मैं देश की प्रत्येक राज्य सरकार का आज विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सभी राज्यों ने अपने शहरों की बेसिक जरूरतों को एड्रेस किया। वाटर सप्लाई से लेकर सैनिटेशन तक के लिए प्लानिंग की। अमृत मिशन के तहत 80,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इससे शहरों के बेहतर भविष्य के साथ साथ युवाओं को नए अवसर भी मिल रहे हैं। पानी का कनेक्शन हो, सिविल लाइन की सुविधा हो, अब हमें इन सुविधाओं का लाभ भी 100% शहरी परिवारों तक पहुंचाना है। हमारे शहरों में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो शहरों के जल संसाधन स्वच्छ होंगे, हमारी नदियां साफ होगी। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि देश की किसी भी नदी में थोड़ा सा भी पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई गंदा नाला नदी में ना गिरे। साथियों, आज शहरी विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं किसी भी शहर के सबसे अहम साथियों में से एक की चर्चा अवश्य करना चाहूंगा। ये साथी हैं हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई है। आजादी के दशकों बाद तक हमारे इन साथियों की सूद नहीं ली गई थी। थोड़े से पैसे के लिए उन्हें किसी से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। वो कर्ज के बोझ में डूबा रहता था, दिन भर मेहनत करके कमाता था, परिवार के लिए जितना देता था उससे ज्यादा ब्याज वाले को देना पड़ता। जब लेन देन का कोई इतिहास ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो उन्हें बैंकों से मदद मिलना भी असंभव था। इस असंभव को संभव किया है पीएम स्वनिधि योजना ने। आज देश के 46 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं। इनमें से
25 लाख लोगों को करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर के जेब में 2,500 करोड़ पहुंचाना ये छोटी बात नहीं है जी, ये अब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और बैंकों से जो कर्ज लिया है वो भी चुका रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें ब्याज में छूट भी दी जाती है। बहुत ही कम समय में इन लोगों ने 7 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन किए हैं। कभी कभी हमारे देश में बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि गरीब आदमी को ये कहां से आएगा, ठीक है, यही लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है। यानी पैसे देने या लेने के लिए 7 करोड़ बार कोई न कोई डिजिटल तरीका अपनाया है। मैं थोक, और ये लोग क्या करते हैं, थोक विक्रेताओं से जो सामान खरीद रहे हैं उसका पेमेंट भी अपने मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से करने लगे हैं, और जो फुटकर सामान बेच रहे हैं उसके पैसे भी नागरिकों से वो डिजिटल तरीके से लेने की शुरुआत कर चुके हैं। इसका एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि उनकी लेन देन की डिजिटल हिस्ट्री भी बन रही है, और इस डिजिटल हिस्ट्री की वजह से बैंकों को पता चलता है कि हाँ इनका कारोबार ऐसा है और इतना चल रहा है, तो बैंकों द्वारा उन्हें अगला लोन देने में आसानी हो रही है। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन, और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन ये मेरे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। आज सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स बैंकों से तीसरा लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे हर साथी को बैंकों से बाहर जाकर ज्यादा ब्याज पर कर्ज उठाने के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाना चाहता हूं, और आज देश भर के मेयर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नगरों के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। ये सच्चे अर्थ में गरीबों की सेवा का काम है, सच्चे अर्थ में गरीब से गरीब को एम्पावर करने का काम है, ये सच्चे अर्थ में गरीब को ब्याज के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का काम है। मेरे देश का कोई भी मेयर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चुना हुआ कॉरपोरेटर काउंसिलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके दिल में ये संवेदना न हो और वो इस पीएम स्वनिधि को सफल करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश न करता हो। अगर आप सभी साथी जुड़ जाएं, तो इस देश का यह हमारा गरीब व्यक्ति, और हमने कोरोना में देखा है, अपनी सोसाइटी चाल में मोहल्ले में सब्जी देने वाला अगर नहीं पहुंचता है तो हम कितनी परेशानी से गुजरते थे, दूध पहुंचाने वाला नहीं आता था तो हमें कितनी परेशानी होती थी। कोरोना काल में हमने देखा है कि समाज के एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन में कितना मूल्य है। जब यह हमने अनुभव किया है तो क्या हमारा यह दायित्व तो नहीं है कि इतनी बढ़िया स्कीम आपके पास मौजूद है, उसको ब्याज में मदद मिल रही है, उसको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे लगातार मिल रहे हैं, क्या आप उसे डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं? क्या आप अपने शहर में 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 25,000 ऐसे हमारे साथी होंगे, क्या उनके जीवन को बदलने के लिए कदम नहीं उठा सकते हैं? मैं पक्का कहता हूं दोस्तों, भले ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का हो, भले ये पीएम स्वनिधि हो, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो उस गरीब के दिल में जगह आपके लिए बनेगी। वो जय जयकार उस शहर के मेयर का करेगा, वो जय जयकार उस शहर के कॉरपोरेटर का करेगा,
वो जिसके उसकी मदद में हाथ फैला है उसके जय जयकार करेगा। मैं चाहता हूं ये जय जयकार आपका हो, मेरे देश के हर शहर के मेयर का हो, मेरे देश के हर कॉरपोरेटर का हो, मेरे देश के हर काउंसिलर का हो, ये जय जयकार आपका हो, ताकि जो गरीब ठेला और रेहड़ी पटरी लेकर के बैठा हुआ है वो भी हमारी तरह शान से जिए, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय कर सके। बड़ी आसानी से किया जा सकता है साथियों, लेकिन इस काम में हम सबका योगदान, मैं सभी कमिश्नर से कहना चाहूंगा, ये मानवता का काम है, ये ग्रास रूट लेवल पर आर्थिक सफाई का भी काम है, एक स्वाभिमान जगाने का काम है। देश ने आपको इतना प्रतिष्ठित पद पर बिठाया है, आप दिल से इस पीएम स्वनिधि कार्यक्रम को अपना बनाइए, जी जान से उसके साथ जुटिए, देखते ही देखते देखिए आपके गांव के हर परिवार सब्जी भी खरीदता है डिजिटल पेमेंट दे रहा है, दूध खरीदता है डिजिटल पेमेंट दे रहा है, जब वो थोक में लेने जाता है डिजिटल पेमेंट करता है, एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। इन छोटी सी संख्या के लोगों ने 7 करोड़ ट्रांजेक्शन किए, अगर आप सब उनकी मदद में पहुंच जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मेरी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शहरी विकास के साथ जुड़े हुए सभी इकाइयों से व्यक्तिगत रूप से आग्रह है कि आप इस काम में पीछे मत रहिए, और बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जुड़े उस भवन से जब मैं बोल रहा हूं तब तो गरीब के लिए कुछ करना हमारा दायित्व बन जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से लोन दिया गया है, लेकिन मैं सभी राज्यों से आग्रह करूंगा इसमें भी स्पर्धा हो, कौन राज्य आगे निकलता है, कौन राज्य सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है, कौन राज्य सबसे ज्यादा तीसरी लोन स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी लोन तक ले गया है, 50,000 रुपया उसके हाथ में आया है, ऐसा कौन राज्य कर रहा है, कौन राज्य सबसे ज्यादा करता है, मैं चाहूंगा उसकी भी एक स्पर्धा कर लिया जाए, और हर 6 महीने 3 महीने इसके लिए भी उन राज्यों को पुरस्कृत किया जाए, उन शहरों को पुरस्कृत किया जाए। एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों की कल्याण करने की, एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों का भला करने की, एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों को सशक्त करने की, आइए उस स्पर्धा में हम सब जुड़े, सभी मेयर जुड़े, सभी नगर अध्यक्ष जुड़े, सभी कॉरपोरेटर जुड़े, सभी काउंसिलर जुड़े। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, आस्ते भग आसी यह उर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः, शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगह चरैवती, अर्थात कर्म पथ पर चलते हुए अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी सफलता भी रुक जाएगी, अगर आप सो जाएंगे तो आपकी सफलता भी सो जाएगी, अगर आप खड़े होंगे तो सफलता भी उठ खड़ी होगी, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी वैसे ही आगे बढ़ेगी, और इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। चरैवती चरैवेती चरैवेती चरैवेती, इस चरैवेती चरैवेती के मंत्र को लेकर के हम चल पड़े और अपने शहर को इन सभी मुसीबतों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो स्वच्छ हो, समृद्ध हो और दुनिया को सस्टेनेबल लाइफ के लिए दिशा दे।
मुझे पूरा विश्वास है हम सभी देशवासियों के प्रयासों से देश अपना ये संकल्प जरूर सिद्ध करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने दो नए अभियानों को यहां पर लॉन्च किया है। स्वच्छता अभियान के साथ ही यहां पर अमृत की भी सेकेंड फेज को यहां पर लॉन्च किया गया है। फिलहाल के लिए एमकेएन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।